हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। देखिए, 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल डेफिनेशन क्या होती है फैक्टोरियल की? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कहते हैं फैक्टोरियल क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो शुरू के आपने एन नेचुरल नंबर उठाए हैं उन सब की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। नोटेशन क्या होती है? नोटेशन इसको हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल। हमने कहा कि प्रोडक्ट होनी चाहिए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, हमें शुरू के एन नंबर उठाने हैं तो 1 × 2 × 3 × 4 मीन्स ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन। हमें लेने हैं एन नंबर इंटू एन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की नोटेशन हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो एन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 10 फैक्टोरियल अगर हम ओपन करते हैं तो हमने कहा कि शुरू के एन है, एन फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हम 10 फैक्टोरियल निकालते हैं तो शुरू के हम 10 नंबर्स की नेचुरल नंबर्स 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और 10 ये हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको आप 10 से स्टार्ट कर लीजिए, ये हमारा 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल इसके बाद आता है 9, दैट मीन्स हमें इसमें से एक माइनस करना है। 10 से छोटा 9 मल्टीप्लाई, एक 9 में से माइनस कीजिए 1, 8, 7। 1 माइनस क्यों करते हैं? 9 के बाद हमें सीधा 7 नहीं लेना, 8 लेना है, क्योंकि हमें चाहिए जो आपके पास है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे हम 10 लेते हैं, n लेते हैं तो n नेचुरल नंबर, और अगर 10 लेते हैं तो 10 नेचुरल नंबर। तो हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा? 5, 4, 3, 2 × 1। 10 से शुरू कर दी और 1 तक हमें प्रोडक्ट करते जाना है और सारे नंबर्स को लेते जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7 दिस। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10 × 9 × 8 इंटू, और ये जो आपके पास 7 से 1 तक, यहाँ पे मैंने लगा दी फैक्टोरियल की डेफिनेशन। जैसे हमने 10 फैक्टोरियल लिया था, 10 से लेकर 1 तक प्रोडक्ट की थी सबकी, तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल बनता है। अब अगर मैं ये देखूँ कि 7 से शुरू हो गया हमारा 7, इसको छोड़ यहाँ तक छोड़ दो इसको, 7 × 6 5 4 3 2 1 यानी कंटिन्यू शुरू के जो आपके पास है 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रखी है यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? तो यहाँ से लेकर इतने नंबर्स को मैंने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जब भी आप निकालते हो तो हमारे पास 1 आना चाहिए जितने भी नंबर का निकालते हो। 10 × 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको ओपन किया था। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेती हूँ 9 × 8 × 7 × 6, क्योंकि 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ऐसे ही ओपन करेंगे, पहले 9 लिया हमने, फिर एक माइनस करेंगे, फिर एक माइनस करते जाएंगे, एक एक कम करते जाएंगे और 1 तक हमें इसकी मल्टीप्लाई ओपन करनी है। ठीक है, तो 10 × 9 फैक्टोरियल, तो आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 20 फैक्टोरियल क्या होता है? 20 × 19 × 18 फिर 17 अप टू सो ऑन, हमें लास्ट तक करते जाना है जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता, 2 × 1, बीच में सारे नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 20 × 9, कितने भी डिजिट उठा लो बाकी सारा फैक्टोरियल ही बच जाता है। जैसे मान लो मैंने 18 तक शुरू करना है तो इसको मैंने लिख दिया 18 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होता है आपके पास फैक्टोरियल। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल 7.2 एक्सरसाइज के, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं 7.2 एक्सरसाइज के। चलिए देखिए एग्जाम्पल फिफ्थ, दिस इज पहला पांचवा एग्जाम्पल। क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए 5 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आएगी। तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, बाय डेफिनेशन 5 से शुरू करेंगे, एक एक कम करते जाओ, 3, 2 × 1 सबके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 और 24 × 5 2, 10 × 2 = 12, 120। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल ओपन कर दीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 7 से शुरू करके हमें 1 तक इसको ओपन करते जाना है, तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई होगी 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते जाना है आपको। थर्ड है आपके पास 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड पार्ट 7 फैक्टोरियल माइनस 5। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, कैसे, या तो आप 7 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दीजिए, सबसे पहले इसको ओपन कर दीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर कहते हैं माइनस 5 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, हमने 7 फैक्टोरियल ओपन कर दिया, माइनस 5 फैक्टोरियल ओपन कर दिया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वांटिटी में से ये माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ओपन ना करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 × 6 × यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर, 5 से 1 तक के नंबर, इसको हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। 7 × 6 दो नंबर हमने यहाँ पे ले लिए, और 5 से लेकर जो 1 तक की मल्टीप्लाई ओपन कर रखी है इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, हमें निकालना है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो इस 7 फैक्टोरियल की हमने ये वैल्यू निकाल ली, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, माइनस दे रखा है 5 फैक्टोरियल। अब ये कंप्लीट एक क्वांटिटी एंड दिस इज, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ से हम 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 7 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 42 माइनस, अगर यहाँ से कॉमन लिया 42 बच गया, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दीजिए, 5 फैक्टोरियल भी हमने सॉल्व किया था 120 मल्टीप्लाई 41, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0, 41 और 12 की, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो चाहे आप इसको इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से करिए, यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है ज़्यादा नंबर्स की, और यहाँ पे आप कॉमन निकाल देते हैं, शॉर्टकट हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 6, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, एग्जाम्पल 6 फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कीजिए। फिर से वही आपके पास दो तरीके हैं, या तो 7 फैक्टोरियल कंप्लीट ओपन कर दीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और अपॉन में कर दीजिए 5 फैक्टोरियल को सॉल्व, 3, 2 × 1 जो कट रहा है उसको काट दो, 4, 2, 3 और 5 आंसर आ गया आपके पास 42। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल को मैं लिख दिया 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था, डिवाइड में 5 फैक्टोरियल चल रहा है, इसको हम ओपन नहीं करेंगे, इससे डायरेक्ट कट कर देंगे और ये आ जाएगा 42। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सेकेंड पार्ट दे रखा है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 को मैंने लिखा 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल,
लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल को, ओपन करेंगे तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल हम पूरा ओपन करने के बजाय हम क्या करते हैं 12 इंटू 11 ले लेते हैं और आगे के नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टोरियल में। तो ये 10 से शुरू हो रहा है, मतलब 10 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई शुरू कर रखी है, कंटिन्यू चल रहे हैं, 10 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या बनता है 10 फैक्टोरियल बन जाता है। ये हमने 10 पे क्यों लिया, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 10 फैक्टोरियल पे ब्रेक कर लिया। और अपॉन में चल रहा है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो 2 इंटू 1। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 से 12 कैंसिल करो 66 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल 7 कहता है कि एन फैक्टोरियल एवेल्यूएट करो, दिस एन और आर की वैल्यू दे रखी है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और एन दे रखा है आपके पास 5 और आर दे रखा है 2। पैसे से पहले तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू 5 रखोगे 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में एन की वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस आर की रखोगे 2, बाहर है फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल की क्या हो जाएगी 2 फैक्टोरियल। अब आपको इसको सॉल्व करना है, पहले इसको माइनस सॉल्व कीजिए इसका, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज अ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये अपॉन में क्वांटिटी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये 5 फैक्टोरियल, इसको मैंने ओपन कर दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, जो भी बड़ा फैक्टोरियल होता है अपॉन में हम वहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाता, बट हम देखते हैं कि बड़ा फैक्टोरियल किसके पास है, इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें सिर्फ 2 रह जाएगा, तो जो बड़ा होता है हम उसको वहाँ तक इसको फैक्टोरियल ला के छोड़ देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 2 इंटू 1, 2 से 4 कैंसिल, 10 इज द आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल 8, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स बाय 10 फैक्टोरियल, आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। ठीक है, चलिए 1/8 फैक्टोरियल, हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है 10, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 को भी ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ तक लेके आते हैं जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होता है, सबसे छोटा हमारा 8 फैक्टोरियल है, तो इसको तो एज इट इज रखते हैं, 9 को मैंने लिखा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू एक्स अपॉन 10 को मैंने लिख दिया 10 इंटू 9 और आगे जो बचेगा उसको 8 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट में से पहले लेफ्ट हैंड साइड से आप निकाल लीजिए 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये तो पूरा भार कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ से 1/9 और 1/8 फैक्टोरियल हमारा कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हम 8 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे ले लो एलसीएम, 9 एलसीएम हो गया हमारा, 9 प्लस 1 इक्वल टू इधर बच गया 10 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 10/9 इंटू एक्स बाय सॉरी इक्वल 10 इंटू 9, दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास बच गई 10/1 इक्वल टू एक्स बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 100। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल एंड सेकंड पार्ट इसका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। फर्स्ट तो आप इजीली कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इसको कंप्लीट ओपन करना पड़ेगा, 5 इंटू 4
थ्री टू वन, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट कहता है 4 factorial - 3 factorial, 4 को ब्रेक कर लीजिए 4 into 3 factorial, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का आप लिख सकते हो 4 into 3 - 3 factorial, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3 फैक्टोरियल दोनों पोर्शन में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया 4, यहाँ से आ जाएगा 1। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 into 2 into 1, और 4 में से एक माइनस करेंगे 3, 6 6 18, ये आपका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इज 3 factorial + 7 factorial = 7 factorial, क्या आपके पास, अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में ऐड कर देते हैं तो क्या ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल आता है, ये आपको बताना है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन के। चलिए देखिए, सबसे पहले उठाइए लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको देखते हैं इक्वल आते हैं कि नहीं आते। 3 factorial + 4 factorial, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू ओपन कर दीजिए इसके, फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 into 2 into 1, प्लस बीच में प्लस है 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 6 6 और 24, ठीक है, ये बन गया आपके पास 30। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने सॉल्व की, हमारा 30 आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड पे है 7 factorial, 7 into 6 into 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई सॉल्व करके देखते हैं इसके, 6 और 24 5 6 को 30 24 और 30, यहाँ पे ले लेते हैं 0 24 3 72, ठीक है, और 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 49 और 1 50, ये आता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 30, राइट हैंड साइड की आई 5040, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। कहीं आप फैक्टोरियल को ऐड कर दो और किस 4 और 3 7 factorial, ऐसे नहीं होता, ओपन करके पूरी वैल्यू देखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट 8 factorial upon 6 into 2 factorial, 6 factorial upon 2 factorial, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करना है 8 factorial upon 6 into 2 factorial, 8 को ओपन कर लेंगे, 8 into 7 into 6 तक ओपन कर लेंगे हम, क्योंकि हमें 6 factorial बड़े वाला है, इसको कट कर देना है, दिस इज 6 factorial into 2 factorial, कैंसिल, 8 into 7, 2 को आप क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल को, 2 into 1, दिस इज 4 28, आंसर आ जाएगा 28। फोर्थ एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन, 1/6 factorial + 1/7 factorial = x/8 factorial, सेम टू सेम एग्जांपल के जैसा ही है, 1/6 1/7 factorial x/8 factorial, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 factorial as it is 7 factorial को ब्रेक कर लेंगे 7 into 6 factorial में, ठीक है, इक्वल टू 8 factorial को ब्रेक कर लेंगे x अपॉन 8 को मैंने लिख दिया 8 into 7 into 6 factorial, कॉमन निकाल लेते हैं 1/6 factorial, यहाँ से बचेगा 1 एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/7, एक्स अपॉन 8 into 7 into 6 factorial, 6 factorial से 6 factorial कैंसिल, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 7 + 1, दिस इज द 8/7, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इधर आ जाएगा सॉरी एक्स अपॉन 8 into 7, 7 से 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 8 into 8, दिस इज इक्वल टू 64। फिफ्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट n factorial upon n - r factorial, आपके पास n और r की वैल्यू गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करो और सेम टू सेम मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए n factorial upon n - r factorial, n की वैल्यू फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, r इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है,
तो इसे पुट कर दो, n की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, n यहाँ पे 6 माइनस r 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, 30 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में 9 और 5 वैल्यू पुट करनी है, यानी आपको n की जगह पे पुट करना है 9 और r के प्लेस पे 5 पुट करना है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल, 9 बाय माइनस 5 इज 4, 9 को ओपन कर लेंगे 4 फैक्टोरियल तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, कैंसिल, इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि एग्जांपल था एक रोज, आपके पास एक वर्ड गिवन है 4 लेटर का, R O S E, ये वर्ड गिवन आपके पास 4 लेटर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन, पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल किया था, पहले एग्जांपल से समझिए। R O S E एक वर्ड गिवन था 4 लेटर का, ठीक है। हमें इसको अरेंज करके 4-4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं, मीनिंग और मीनिंगलेस। फॉर एग्जांपल जैसे इसी को मैं, इन्हीं 4 वर्ड्स को उठा के, इन्हीं 4 वर्ड को लेके बहुत सारे वर्ड आपको बनाने हैं, इनको आगे पीछे अरेंज करके, एस ई ओ आर, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। फिर आर ई ओ एस आगे पीछे करके अरेंज करना है, बस इनको आपको आर ई एस ओ, इस तरह से आप कितने वर्ड बना सकते हो, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब ही क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर हो या जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास, उनकी अरेंजमेंट करना ही परम्यूटेशन होता है। जैसे अभी हमने कहा कि इसके 4 वर्ड बनाओ, तो इसके क्या निकलेंगे आपके पास, कितने वेज आते हैं? हमने क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हमें बनाने हैं 4-4 वर्ड के, सिर्फ हमारे पास वर्ड कितने गिवन है, 4 वर्ड गिवन है, तो यहाँ पे आप कितने फिल कर सकते हो, 4 वर्ड में से कोई भी वर्ड उठा के यहाँ पे फिल कर सकते हो, इसके वेज हो गए 4, ठीक है। एक वर्ड हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, बाकी बचे 3, इस सेकंड प्लेस के लिए कितने वर्ड हो गए, 3। ये कब होता है? जब आपके पास दे रखा हो कि आपको जो वर्ड बनाना है वो होगा विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन मतलब जो वर्ड आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया उसको आप आगे यूज़ नहीं करोगे। जैसे मैंने एस उठाया, जैसे ये वर्ड बना रही हूँ मैं, तो मैंने एस यहाँ पे लगा दिया, तो एस को आप आगे कहीं पे भी वो वर्ड बनाते टाइम यूज़ नहीं कर सकते। एस को आप एक ही प्लेस पे यूज़ कर सकते हो, एस को यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके लिए इसमें तो हम 4 में से कोई भी वर्ड फिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड फिल हो गया तो इसके लिए बचे 3 वेज, देन नेक्स्ट इज 2 वेज, और नेक्स्ट के लिए 3 वर्ड फिल कर दिए हमने 4 में से, इसके लिए बच गया 1 वे। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हमने क्या किया था, हम सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड जितने आप बना सकते हो, 4 × 3 × 2, 24 आप इस टाइप के 24 वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हमने बोला था कि अगर विद रिपीटेशन आ जाता है तो, विद रिपीटेशन तो हमने कैसे किया था, अगर रिपीटेशन कर सकते हैं तो फर्स्ट प्लेस के पास भी 4 वेज, 4 वेज। अब हमने कहा कि हम रिपीट कर सकते हैं, तो हम जैसे वर्ड बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एस 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 और एस, एस को हम चारों प्लेस पे भी लिख सकते हैं, दो प्लेस से भी लिख सकते हैं, हम ऐसे ही बना सकते हैं एस आर ओ एस, एस को मैं दो प्लेस से भी रिपीट कर सकती हूँ, मतलब कि एक्स को, एस को किसी भी वर्ड को आप रिपीट कर सकते हो विद रिपीटेशन में। तो पहले प्लेस के लिए 4 वेज, सेकेंड प्लेस के लिए, इसके लिए भी 4, क्योंकि ये वर्ड हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं,
सेकंड के लिए भी फोर वेज बनेंगे, चार तरीके से इसको फिल कर सकते हो, थर्ड के लिए भी फोर और फोर्थ के लिए भी फोर। तो इसके पास कितना आ जाता है भाई, 16 और 16, दो सौ छप्पन, तो ये आ जाएगा 256। तो इस टाइप से अगर विद रिपीटेशन बोला जाता है तो आप इसके 256 वर्ड बना सकते हो इन चारों वर्ड्स का यूज़ करके, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो इस अरेंजमेंट को, जैसे हमने ये वर्ड बनाए, इस अरेंजमेंट को ही परमुटेशन बोला जाता है, जो कि हम जो भी लेटर गिवन है या जो भी कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन है उनको अरेंज करना ही परमुटेशन होता है। ठीक है, एक थ्योरम गिवन है इसकी, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सेकेंड एक्सरसाइज जो ट्राई कीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में परम्यूटेशन के बेस पे जो थ्योरम गिवन है थ्योरम सॉल्व करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।